सारी उम्र सुरमई लिबास पहना और आखिरी सांस तक उजले काम करते रहे। कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, मगर एदी बजा तौर पर वो नाम है जो नेक कामों की शनाख्त, इंसानी हमदर्दी, इंसान दोस्त और इंसानी खिदमत का चमकदार और मोहतरम इस्तियारा। एदी साहब की अजीम जिंदगी के 10 रंगों को मारूफ फनकार जिमी इंजीनियर नक्श करने पर आए तो उसके लिए उन्होंने पेंसिल का सुरमई रंग ही चुना। कहीं एदी साहब का अंदाजे दुआया है तो कहीं कुछ और। जिमी इंजीनियर ने ये तस्वीरें स्टेट बैंक को अतिया कर दी है। एदी साहब की जो पेन थी या उनको जो तकलीफ थी सोसाइटी के रिजेक्टेड एलिमेंट्स को देख के और जो डिप्राइव्ड एलिमेंट्स हमारी सोसाइटी के हैं, जो वो एक्सपीरियंस करते थे वो उनके फेस पे, उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन इन स्केचेस में नजर आते हैं। एदी साहब की शख्सियत के 10 मुख्तलिफ पहलुओं को मुल्क के इस अजीम फनकार की पेंसिल ने खूब जिंदगी बख्शी है। इन तस्वीरों का मस्कन अब स्टेट बैंक का म्यूजियम है। ये जो मैंने 10 स्केचेस बनाए ना, मैंने उनका डिफरेंट मूड कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि कभी वो गैरीज को सोच में थे, कभी वो फिक्र में होते थे लोगों के लिए, वो अपने लिए तो फिक्र करते नहीं थे। हुकूमत पाकिस्तान मार्च में एदी साहब की खिदमात के एतराफ में यादगारी सिक्के का इजरा करेगी। जिमी इंजीनियर की इन 10 स्केचेस के अंदर एदी साहब के 10 मुख्तलिफ मोड है, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो ये मोड है। एक यतीम बच्चे को हाथ में उठाए एदी साहब मुस्कुरा रहे हैं। नहीं जानते कि किस नस्ल का है, किस मजहब का है, बस इतना जानते हैं कि एक इंसान है, उसकी खिदमत करनी है। यही जिंदगी थी एदी साहब की जो अब इन स्केचेस के अंदर सेफ है। कैमरामैन सैयद महबूब अली के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।